मेरा बचपन बीता है दिल्ली और बॉम्बे में मिक्स। काफ़ी स्कूल्स बदले हैं क्योंकि हम लोग दिल्ली बॉम्बे में काफ़ी शिफ्ट करते थे उस समय, पापा मम्मी और हम लोग सब लोग मिलके। तो बहुत अच्छी थी स्कूल लाइफ। स्कूल में तो मैं काफ़ी पढ़ाई में अच्छा था और स्पोर्ट्स में भी अच्छा था, और अच्छे खासे मेरे सारे दोस्त थे जो सारे टॉपर्स थे स्कूल के। और कॉलेज दिल्ली में 12th स्टैंडर्ड तक स्कूल ही होता है, तो हम लोग कॉलेज नहीं कर सके क्योंकि 12th के बाद में मैं सीधे बॉम्बे आ गया और यहीं पर स्ट्रगल शुरू कर दी मैंने। मेरे पापा मम्मी दोनों बहुत अच्छा गाते हैं, तो दोनों की वजह से बचपन से मेरा रुझान था गाने में। और वैसे भी बच्चा जो देखता है अपनी आँखों के सामने वो वैसे ही बन जाता है, तो मेरा इसलिए गाने में रुझान रहा। और फिर रफ़ी साहब को सुन सुन के, किशोर कुमार जी को सुन सुन के, बाकी सब लता जी आशा जी इनको सब सुन सुन के अपने गाने को थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश किया। तो बहुत सारे इंस्पिरेशन है। जो भी फर्स्ट जनरेशन के लोग यहाँ पर आते हैं, अचीवर्स होते हैं, उनको स्ट्रगल तो करनी पड़ती क्योंकि कोई बैकग्राउंड होता नहीं है, तो पहले अपना मकाम बनाना पड़ता है, अपनी अपनी फील्डिंग करनी पड़ती है, अपना नेटवर्किंग करनी पड़ती है, तो उसमें टाइम लगे काफ़ी। और उस ज़माने में टैलेंट कॉन्टेस्ट नहीं होते थे, तो एक ही तरीका था सिंगर बनने का, वो था प्लेबैक सिंगर बनना। और मैं 18 की उम्र में आया था, 18 की उम्र में सिंगर, प्लेबैक सिंगर बनना बड़ा असंभव सा काम था, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जब तक मैं 20-21 साल का हुआ तब तक मुझे थोड़ा काम मिलना शुरू हो गया। और सारेगामा नाम का टेलीविजन प्रोग्राम मैंने स्टार्ट जब किया 95 में, उसके बाद से लोगों ने मुझे घर घर में जानना शुरू कर दिया। ये उसी कड़ी में जब मैं बहुत सारे लोगों से मिलता रहता था, उनके चक्कर काटता रहता था, तो टी सीरीज में भी चक्कर काटता था, तो वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता गुलशन कुमार जी को मेरी आवाज़ पसंद आनी शुरू हो गई। तो आजा मेरी जान फिल्म में गाना था, ओ आसमान भरे ज़मीन पर उतर के देख, वो गाना मेरा पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था फिल्म में, वो गाना बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद से मैंने वर्जन्स गाने शुरू किए टी सीरीज़ में, थोड़ी आमदनी शुरू हो गई। और उसके बाद फिर बेवफा सनम नाम का एक एल्बम बन रहा था जिसमें ये गाना मुझे मिला और ये गाना सुपरहिट हो गया, तो उसके बाद से फिर काम अच्छा हुआ। देखिए हर इंसान को अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए, और जो बाकी लोग कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि उसी रास्ते पर जाएं। मुझे उम्मीद तो थी अपने आप से कि मैं काम तो ऐसा करता हूँ कि मुझे पूरा अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। मेहरबानी मेहरबानी भगवान की कि उन्होंने ऐसा समय दिखाया जब अच्छा काम मिल रहा है और इज्जत मिल पूरी मिल रही है। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूं, कहना चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूं, किसी जबान में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूं तुम साहसी, कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं।